श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों दोस्तों 22 मार्च दिन बुधवार चेती नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है। इस दिन माता की स्थापना की जाती है और साथ में इस दिन गुड़ी पड़वा है। गुड़ी पड़वा हमारे हिंदू पंचांग के हिसाब से नव वर्ष की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, यदि आप भी अपने घर में अखंड ज्योत की स्थापना करते हो या अखंड ज्योत जलाते हो तो गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ विशेष बातों का अवश्य ध्यान रखें और नवरात्र में किए जाने वाले 3 उपाय तो वीडियो अंत तक देखें। और नवरात्र में भी देवी की आराधना का एक स्मरण का सुख है महाराज। ज्योत का विधान है, नवरात्र में देवी की ज्योत लगती है, अखंड ज्योति लगती है, जवारे बुआए जाते हैं, कलश लगता है, ज्योत का भी विधान है। जिसके यहां दिया अखंड जलाया जाता है, अगर वो दिए की लो, दिए की बाती अगर दक्षिण दिशा की होती है तो उसके घर में साल भर में एक घात जरूर होती है। जो दिया अखंड जलता है उसकी बाती का मुख दक्षिण का नहीं होना चाहिए। अगर आपने देवी भागवत का स्मरण कराओ, देवी भागवत को अगर सुना हो तो देवी भागवत में स्पष्ट किया गया कि पूर्व की ओर मुख करा हुआ दिया अर्थात पूर्व की ओर ज्योत जो जलाई जाती है वो संपदा की वृद्धि करती है। पश्चिम की ओर मुख कर जो ज्योत लगाई जाती है महाराज वो वैभव को देती है। और उत्तर की ओर जो मुख कर ज्योत जलाई जाती है, उत्तर की ओर जो ज्योत का मुख रहता है वो आयु की वृद्धि करती है, घर में अकाल मौत को रोकती है। और नवरात्र में भी अगर आपकी कोई कामना है, आपकी अगर इच्छा है, आपका मन है तो जगत जननी की आराधना करो। पति और पत्नी में अगर क्लेश है तो जगदम्बा के मंदिर में मक्खन चढ़ाओ, प्रेम बढ़ जाएगा। आपको लगता है कि पति कोई अन्य स्त्री से लगा हुआ है या परिवार टूट रहा है, तलाक तक पहुंच गया है तो माता के मंदिर में आप ध्वजा लगवाइए, उस ध्वजा पर मक्खन लगाकर लगवाइए, आपको लाभ मिलेगा महाराज। यदि आपको लगता है कि बच्चे बहुत ज्यादा अपशब्द बोल रहे हैं, मुंह चला रहे हैं और प्रेम नहीं रख रहे तो माता के मंदिर में लाल पुष्प, लाल चंदन और लाल चूड़ी मां को समर्पित करिए, प्रेम बढ़ेगा, बच्चा कभी आप जी से कम नहीं बोलेगा, प्रेम की भाषा निकलेगी मुंह से। मां जगत जननी की आराधना, जगदम्बा की उपासना। नवरात्र में 9 दिन में से कोई एक दिन ऐसा ले लो जिस दिन कन्याओं का भोजन कराओ, साथ में उनको लाल चुनरी ओढ़ाओ या कोई लाल वस्त्र, लाल पूजन की सामग्री उनको दो, सुख मिलेगा, आनंद आएगा।